मोदी की सरकार आई थी, कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने भी उम्मीद रखा था, साथ में हमारे देश की युवा ने भी उम्मीद रखा था। तो इन्होंने बेटी के लिए पहले लाए थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी तो बची नहीं, बेटी बेटी की आजकल रेप हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं, इनको ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो भी है इनका जो नारा है वो तो बिल्कुल फेल है, ठीक है, क्योंकि आजकल बेटी बच नहीं रहे। हर साल इंडिया में हर दिन में 85 लड़कियां रेप हो रहे हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हैं वीडियो, तो वहाँ पर एक लड़की का रेप चल रहा होगा। मतलब टोटली इंडिया में 85 ऑफिशियली जो गूगल पे है वो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे जहाँ पर रजिस्टर नहीं हो रहे, क्योंकि गूगल वही चीज़ें दिखाता है जो केस रजिस्टर होते हैं। इसके अलावा कितने सारे रेप्स होते होंगे आप सोचिए। आपकी मतलब ये सोचते हुए आपकी टांगे कांप जाना चाहिए कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और जब मैं बना रहा हूँ इस दुख की बात के साथ हम शेयर करें कि लड़कियों का अभी भी रेप चल रहा है जब हम ये वीडियो देख रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, सिर्फ नारा दे दिया बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचेगा तभी तो पढ़ेगा, और बेटी पढ़ भी लिया डॉक्टरी तब भी नहीं बचा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, स्कीम टोटली फेल्ड। दूसरा है हमारा नारा है आज की डेट में, हमने चेंज कर दिया भाई, अग्निवीर बंद करो और देश बचाओ। इसकी फैक्ट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अग्निवीर का जो इन्होंने ट्रेनिंग ख़त्म किया, दूसरा पहली बात तो इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को इन्होंने सोल्यूशन देने के लिए पता नहीं क्या क्या चेंजेस करे जा रहे हैं। वो तो राहुल गांधी की और कांग्रेस की और आम जनता की थोड़ा सा इस बार ना वोटिंग में प्रोसेस हो गया, इसलिए ये सारे चीज़ें हो गया, नहीं तो ये भी चीज़ें नहीं होने वाला था, ये तब जाना था। लेकिन उनको लगा कि इस बार ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं हंसी हुए चेहरे, इनको मैं बोलना चाहूँगा थोड़े से जाके अग्निवीर की साथ थोड़ा सा बात करिए, पहले तो रेप केसेस बंद कर जाइए, दूसरी अग्निवीर में जो यूथ जा रहे हैं उनके पास जाइए थोड़ा सा बात करिए। आपको कंगना रावत को फूल देने के लिए टाइम है और उनके पास, वो भी फोटो दिखाता हूँ आपको, इनके पास अगर टाइम है जो लोग पटरी पे बैठे युवा जो देश की सेवा करना चाहते हैं एटलीस्ट उनके साथ जाके एक कॉन्फ्रेंस पे बात कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। अगर एक कोई नेता जाके उनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए, रूलिंग पार्टी का कोई बात कर ले तो वो कम से कम अपनी दुख तो शेयर कर सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि कोई आया तो कम से कम बात करने के लिए। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ स्टॉप दिस अग्निवीर स्कीम, ये अग्निवीर स्कीम बंद हो जाना चाहिए, इसमें चेंजेस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि युवा इसमें आने के लिए मतलब एक फोर्सफुली आ रहे हैं। एक जो सेना ज्वाइन करने के लिए पहले बंदे को वॉलंटियर होना पड़ता था, देश प्रेम उसके अंदर था, कोई मजबूरन या फिर नौकरी करने के लिए सेना में नहीं आता। अगर ऐसे बंदे सेना में आने लग जाएंगे तो सेना सेना नहीं रहेगा, आर्मी आर्मी नहीं रहेगा, वो एक प्राइवेट संस्था हो जाएगा जहाँ पर वर्कर्स आएंगे 8 घंटे की अग्निवीर ड्यूटी करेंगे, एक दिन का 1,000 फिक्स है, 30 दिन का 30,000 फिक्स है, 4 साल किया और आप चले गए, ये पर यह देश सेवा नहीं बोला जाएगा। तो इसीलिए कम से कम उस स्कीम में यहाँ पर चेंजमेंट की बजाय अगर वो स्कीम बंद हो जाए, टोटली बंद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं मानता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर वो स्कीम बंद हो जाता है बहुत क्रिटिसाइज होगा बीजेपी गवर्नमेंट की, क्योंकि उसी की गवर्नमेंट की तरह से ये स्कीम आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कहीं करोड़ों युवा की ज़िंदगी की बदले में अगर आपकी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो रहा है, इट्स ओके, आपने ट्राई किया था देश के लिए, ट्राई किया था, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ट्राई किया था, क्यों, आर्मी को मॉडर्नाइजेशन करना था आपको, जो कि बिल्कुल सही है, आर्मी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ख़राब इक्विपमेंट्स कमज़ोर हथियार हमारे पास है और उसको चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एज जो था एक बढ़ रहा था, एज और यूथफुलनेस करना था आपको, वो भी ठीक है, पेंशन आप ज़्यादा दे रहे थे, पेंशन कम करना था वो भी ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या जो मॉडर्नाइजेशन वेपन ला रहा है उसको चलाने के लिए एक इंसान तो चाहिए? अगर वो इंसान अग्निवीर है और उसकी अगर मोरल डाउन है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी डाउट में है कि ये बंदा परमानेंट होगा कि नहीं होगा, वो अपनी बॉयफ्रेंड का नाम किसी को शेयर नहीं कर पाता, अगर शेयर करती है तो ये बोल देते हैं कि अच्छा अग्निवीर टेम्पोरारी सोल्जर है क्या, तो ये बोल देती है, उसको शर्म आता है और इसको शर्म आता है। घर में एक इनसिक्योरिटी चल रहा है, अगर वो बंदा अग्निवीर कल मर जाता है तो घर में उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। घर में और भी एक चल रहा है कि 4 साल में जब ये परमानेंट अगर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी शादी हो जाएगा। इतने सारी इनसिक्योरिटी के साथ एक बंदा हथियार नहीं चला सकता, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, शायद पॉलिटिशियन ने कभी चलाए नहीं होंगे हथियार तो इनको पता नहीं चला। हथियार से तभी गोली लगता है वो, जब बंदे की मोरल अप हो, ट्रेनिंग उसने अच्छा किया है, ट्रेनिंग आपने उसकी कम कर दिया, जहाँ 11 मंथ की ट्रेनिंग होता था लगभग 1 साल की ट्रेनिंग, आप उसको 6 महीने में कर दिया, उसमें और प्रेशर डाल दिया कि एडवांस भी करेगा और बेसिक भी करेगा। मुझे जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, बेसिक ट्रेनिंग वो होता है जहाँ पर आपकी फिजिकल्स फायरिंग ड्रिल डिसिप्लिन सारे चीज़ें सुधार जाता है, और एडवांस ट्रेनिंग वो होता है जहाँ पर बंदा जिस काम के लिए जाता है वहाँ पर सेना में एक चाहे वो ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, गनर हो, कोई भी एक काम करता है उस ट्रेड में अगर ट्रेनिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एडवांस ट्रेनिंग। तो अगर उसको 6 महीने में आपने कंप्लीट कर दिया जो 1 साल की ट्रेनिंग था, तो
कैसे मतलब बंदा फाइटर कैसे बनेगा और फाइट कैसे करेगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं होगा। सामने वाला 2 साल की ट्रेनिंग करके आया, आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके आए, आप शक्तिमान थोड़ी हो जो उड़ के जाके मार लोगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए स्कीम में बहुत ज़्यादा डिमेरिटीज है और बंदे में कोई एक मोरल ऑफ नहीं, जो भी आ रहा है सिर्फ फोर्सफुली मतलब मजबूरी में आ रहा है, और मजबूरी में सेना नहीं चल पाएगा, कुछ दिन चलेगा उसके बाद आपको हार का सामना देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ तो स्कीम नहीं हुआ, बट एटलीस्ट एक अग्निवीर को अगर बंद कर देंगे तो देश और युवा कुछ बच जाएंगे, मेरा राय यही है। आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैंने जो बोला वो सही है नहीं है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।